माँ शारदे स्टूडियो कासगंज, माँ शारदे स्टूडियो कासगंज की तरफ से तो एक थानेदार की पत्नी और एक पल्लेदार की पत्नी दोनों आपस में बातचीत कर रही और कहने लगी, जब उसने पल्लेदार की पत्नी ने 2200 रुपए की साड़ी खरीदी और उसने 700 रुपए की साड़ी खरीदी, तो वो कहने लगी कि साड़ी जयपुर से मंगवा लेती सैया करते जो पल्लेदारी, साड़ी जयपुर से मंगवा लेती सैया करते जो पल्लेदारी। माँ शारदी स्टूडियो कासगंज और कहने लगी, बहन खुल गौ बहन नसीब तुम्हारा, उनसे भरो न पेट हमारो। काकी बहन तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरे जो पति पल्लेदार मिले, हमारे तो सारे दिन थानेदारी में लगे रहते हैं, 20 झूठ बोलते हैं। खुल गौ बहन नसीब तुम्हारो, उनसे भरो न पेट हमारो। मैं तो दुख सुख की बतला लेती सैया करते जो पल्लेदारी, कहा कि बहन तुम्हारे तो शाम को फिर भी घर आ जाते हैं, वो 6-6 महीने बाद आते हैं। मैं तो दुख सुख की बतला लेती सैया करते जो पल्लेदारी, साड़ी जयपुर से मंगवा लेती सैया करते जो पल्लेदारी। माँ शारदी स्टूडियो कासगंज और कहा कि बहन सब विधि फूटो भाग्य हमारो, सब विधि फूटो भाग हमारो। अब कहूं जाऊं तो होए भूकारो, अब बहन छोड़ ना के ना, अब कहूं जाऊं तो होए भूकारो। बदलन के होते बदला लेती सैया करते जो पल्लेदारी, साड़ी जयपुर से मंगवा लेती सैया करते जो पल्ले। बहन 6-6 महीने बाद घर आते, छ महीने बाद घर आते, अच्छी की चीज कब उनाए लाते। बहन तुम्हारे शाम को घर आता तो कुछ बाल बच्चन को तू ला तो, मगर वे खाली चले आता, मगर सारे दिन सड़क में ठाठाड़ी ठगर रहा था, क्या करूं बहन, कहूँ जाऊ ना कबू 10 रुपया जलेबी ले आओ, तो ले आती तो मैं क्या करती बहन, क्या करती। मैं तो बैठी सड़क पर खा लेती सैया करते जो पल्लेदारी,
खाए लेती सैया करते जो पल्लेदारी। साड़ी जयपुर से मंगवाए लेती सैया करते जो पल्लेदारी। चौरानवे 11 43 34 29